नमस्कार, ये NFT क्या है? लोग आजकल डिजिटल दुनिया में तरह तरह से पैसे कमा रहे हैं। कोई बिटकॉइन से पैसे कमा रहे हैं, कोई इथेरियम से पैसे कमा रहे हैं, और कोई किसी चीज को NFT में कन्वर्ट करके और फिर उसको ऑनलाइन बेच करके भी पैसे कमा रहे हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन ने भी करोड़ों रुपए इस NFT से कमाए। ट्विटर के पूर्व CEO ने भी इस NFT से करोड़ों रुपए कमाए। तो आखिर ये इस डिजिटल वर्ल्ड की दुनिया में NFT क्या चीज है और लोग इससे कैसे पैसे कमा रहे हैं, और क्या एक आम इंसान भी इससे करोड़ों रुपए कमा सकते हैं या लाखों रुपए कमा सकते हैं? सबसे पहले अपन जानेंगे कि NFT है क्या, आखिर किसे कहते हैं NFT। देखिए, NFT का फुल फॉर्म होता है नॉन फंजिबल टोकन। अब आप कहोगे सर ये ठीक है, आपने फुल फॉर्म तो बता दी, लेकिन नॉन फंजिबल टोकन क्या होता है? अब ये भी दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना, फंजिबल टोकन और नॉन फंजिबल टोकन। NFT तो हो गई नॉन फंजिबल टोकन, अब फंजिबल टोकन क्या होता है? देखिए आप, फंजिबल और नॉन फंजिबल टोकन में अंतर देखिए आप। अब नोट करने वाली बात देखना आप, फंजिबल टोकन जैसे कि किसी 500 रुपए को के नोट को आप किसी दूसरे 500 रुपए के नोट से बदला जा सके, उसे फंजिबल टोकन कहते हैं। जैसे कि आपके पास 200 रुपए हैं, आपने किसी को पैसे दिए 200 रुपए के चेंज, तो लोग आपको खुले दे देंगे 100 रुपए के, तो ये क्या फंजिबल टोकन हो गया, यानी फिजिकल लेन देन, इसको फंजिबल टोकन कहा जाता है। और देखिए आप, अब ये बिटकॉइन जैसी करेंसी से भी अलग है, इथेरियम करेंसी से भी अलग। अब देखिए आप, बिटकॉइन जैसी डिजिटल करेंसी को भी उसी मूल्य पर दूसरे बिटकॉइन जैसे बदला जा सके। अब देखिए आप, बिटकॉइन को भी फिजिकल तो नहीं कह सकते अपन, ये भी सॉफ्टवेयर के द्वारा भी खरीदे बेची जा सकती है, लेकिन आप बिटकॉइन को भी अगर किसी को दूसरे को देकर उसी के मूल्य की बराबर चीज आप ले सकते हो, तो यह भी एक तरह का लेन देन हुआ, तो यह भी फंजिबल टोकन ही कहलाएगा। लेकिन अब नॉन फंजिबल टोकन देखिए आप, एनएफटी होता है नॉन फंजिबल टोकन। इसका लेन देन तो ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी जरिए होता है, जैसे कि इसका लेन देन NFT जो नॉन फंजिबल टोकन होता है, इसका लेन देन तो बिटकॉइन या इथेरियम जैसी क्रिप्टो करेंसी से होता है, लेकिन इसका फिजिकल लेन देन नहीं होता है, यह आप ध्यान रखना। बिटकॉइन जैसी करेंसी से किया जाता है, लेकिन इसका फिजिकल लेन NFT का कभी फिजिकल लेन देन नहीं होता है। अब आप कहोगे सर ये तो कोई समझ में नहीं आया NFT का फुल, मतलब आपने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक जो एक आम भाषा में समझ में आता है वो समझ में नहीं आया। बिल्कुल राइट बात, ये थोड़ी टेक्नोलॉजी भाषा है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आम भाषा में समझाता हूँ। आसान भाषा में समझे तो इसे एक तरह की ऑनलाइन नीलामी की तरह समझ सकते हैं। एक आसान भाषा में अगर आप NFT को समझना है ना, तो एक ऑनलाइन नीलामी की तरह आप समझ सकते हो। जैसे कि फिजिकल नीलामी तो आप जाते हो किसी गैलरी में, बहुत सारे आर्ट, पेंटिंग वगैरह, म्यूजिक, वीडियो बहुत से पड़े होते हैं, लोग नीलामी लगाते हैं, वहाँ जाके नीलामी लगाते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन यह आजकल का एक नया दौर आया है, NFT ऑनलाइन नीलामी। आप किसी भी चीज़ को NFT में कन्वर्ट करके ऑनलाइन डाल दीजिए और उसकी नीलामी आपके अपने आप हो जाएगी एक प्लेटफॉर्म पर। अब आप कहोगे सर हम किस चीज़ की नीलामी करें, आपके पास आप किसी भी चीज़ की नीलामी कर सकते हो। देखिए आप, जैसे कि आपके पास कोई वीडियो है, यूनिक वीडियो है, अब आप नीलामी करते हो ना, उस वक्त जैसे आपके पास वीडियो है तो इसका एक यूनिक कोड बनता है NFT के जरिए, और उस यूनिक कोड की पूरी दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर सकता है, और वो कोड सिर्फ आपके पास रहता है, और जब आप उसको बेचते हो ना, तब NFT में कन्वर्ट करके उसको बेचते हो तो आपको लाखों करोड़ों रुपये मिलते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। वीडियो हो गया, आर्ट हो गया, आपके पास कोई ऐसी कला है जिसे आप कुछ बनाते हो, तो उसको भी आप NFT में कन्वर्ट करके बेच सकते हो, ऑनलाइन नीलामी कर सकते हो। पेंटिंग हो गई, पेंटिंग को लोग करोड़ों की पेंटिंग बनाते हैं और फिजिकल नीलामी लगाते हैं, लेकिन आजकल वो जमाना गया, करोड़ों की पेंटिंग बनाई और उसको NFT में कन्वर्ट करके और ऑनलाइन नीलामी कर सकते हैं। म्यूजिक को भी NFT में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो गेम हो गया, कहानी, कविता आदि। अब आप कहानी कविता को कहोगे, आप कहोगे सर ये कहानी कविता को भी NFT में कन्वर्ट करके करोड़ों रुपए कमा जा सकते हैं, बिल्कुल कमाए जा सकते हैं। अब अमिताभ बच्चन ने भी NFT से करोड़ों कमाए, अब कैसे कमाए ये देखिए, उनके पिताजी की लिखी गई मधुशाला, ये देखिए आप,
एनएफटी कलेक्शन से 7 करोड़ रुपए कमाए। इसमें क्या क्या थी, एक तो मधुशाला की प्रति और साइन वाले पोस्टर। अब अमिताभ बच्चन ने इनका एनएफटी में कन्वर्ट किया, इनका एक यूनिक कोड बनाया और इनको ऑनलाइन नीलामी की, जिसमें मधुशाला की एक प्रति थी और उनके साइन वाले पोस्टर थे, उनसे 7 करोड़ रुपए कमाए, देखिए आप। और इसके अलावा ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने अपना पहला ट्वीट जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर को एनएफटी के रूप में कन्वर्ट करके 17 करोड़ रुपए कमाए। यह मार्च 2006 में उन्होंने पोस्ट किया था। अब ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने मार्च 2006 में इन्होंने फर्स्ट ट्वीट किया था जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। इसको इन्होंने क्या किया, इसको इन्होंने एनएफटी में कन्वर्ट किया और फिर ऑनलाइन नीलामी में बेचा, जिसमें 17 करोड़ रुपए आए। अब अगर अपन जानेंगे कि एनएफटी कैसे काम करती है और इसको कैसे कन्वर्ट करके आप किसी चीज़ को ऑनलाइन नीलामी कर सकते हैं, इसके आगे देखेंगे। लेकिन आपको ये जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि एनएफटी क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ होती है। मैंने आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाया कि कोई भी किसी भी चीज़ अगर आपके पास है और आपको उसके ऊपर, आपने उसको बनाया है, तो आपका उसके ऊपर अधिकार है और उसको आप एनएफटी में कन्वर्ट करके आप ऑनलाइन बेच सकते हो। इसके ज़रिए आप लाखों करोड़ों रुपये कमा सकते हो, बशर्ते उसकी वैल्यू कितनी हो। बस ये है, मतलब एनएफटी को आप एक टेक्नोलॉजी भाषा में मत जाइए, आप सीधी सिंपल भाषा में समझिए, ये एक तरह की नीलामी है, ऑनलाइन नीलामी है। बस आप ये समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आप किसी भी चीज़ को आप नीलाम कर सकते हो, बशर्ते वो चीज़ आपकी होनी चाहिए, कोई दूसरे का कॉपीराइट उसके ऊपर नहीं आना चाहिए। बस अगर वो चीज़ आपकी है और आपके द्वारा क्रिएट की गई है, तो आप उसको ऑनलाइन नीलामी के जरिए बेच सकते हो और एनएफटी में कन्वर्ट करके लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। अब ये काम कैसे करता है, देखिए आप एनएफटी कैसे काम करता है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बना है, जैसे क्रिप्टो करेंसी और इथेरियम और जैसे बनते हैं ना, वैसे ही एनएफटी बनता है। यह ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ही बनता है। दूसरा, ये डिजिटल वॉलेट में रहता है, इसका एक ऑनलाइन डिजिटल वॉलेट होता है, उस वॉलेट में सुरक्षित रहता है, इसे बदला हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये कभी भी ध्यान रखना कि एनएफटी को एक यूनिक कोड के जरिए बना होता है, इसको बदला हटाया या नष्ट नहीं किया जा सकता है। एनएफटी का एक यूनिक कोड होता है, इसकी इसको कोई कॉपी नहीं कर सकता है। एनएफटी जब आप किसी भी चीज़ को एनएफटी में कन्वर्ट करोगे, जैसे वीडियो गेम हो गया या कोई मीम्स हो गया या कविता कहानी या कुछ भी हो गया, इसको अगर आप एनएफटी में कन्वर्ट करोगे ना, जब ये एनएफटी आपका होगा ना, तो इसको पूरी दुनिया में कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। यह अपने आप में यूनिक होता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह होती है। अब एनएफटी को खरीदे और बेचे कैसे, इसके लिए आपके पास में एक डिजिटल वॉलेट होना चाहिए। अगर आपके पास किसी चीज़ को आप एनएफटी में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपके पास डिजिटल वॉलेट होना चाहिए। इसमें आपको एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी को स्टोर रखने की अनुमति मिलेगी। जब आपके पास डिजिटल वॉलेट होगा ना, तब इसमें आपको एनएफटी और क्रिप्टो करेंसी दोनों आप इसमें स्टोर रख सकते हो, क्योंकि अगर आपको एनएफटी खरीदनी और बेचनी है, तो आपके पास क्रिप्टो करेंसी होनी चाहिए। बिना क्रिप्टो करेंसी के आप एनएफटी नहीं बेच सकते हो और खरीद सकते हो। इसके लिए आपको वॉलेट में बिटकॉइन और इथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी होनी चाहिए, जिसके जरिए आप एनएफटी खरीद बेच सको। एनएफटी खरीद और बेचने के लिए आपको क्रिप्टोकरेंसी होनी चाहिए, इसके बिना आप एनएफटी ना तो खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। तो इस दौर में अपन, डिजिटल दौर में अपन ये कह सकते हैं कि एनएफटी एक तरह की ऑनलाइन नीलामी होती है। आपकी पर्सनल चीज़ें हैं, कुछ भी यूनिक चीज़ें हैं, जिसको आप एनएफटी में कन्वर्ट करके ऑनलाइन नीलाम कर सकते हो और करोड़ों रुपये कमा सकते हो। इसी चीज़ को अपन एनएफटी कहते हैं और लोग लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं।